नमस्कार, बीएससीआईपी क्वेश्चन कला में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम प्रोविडेंट फंड की एक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में ये देखा, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा, कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि प्रोविडेंट फंड यदि आप 2.5 लाख से ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सालाना, तो उसके ऊपर जितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उस पर आपको अधिक कर देना पड़ सकता है। आज हम उसी विषय को आगे लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बजट में और एक नई चीज़ आई है, वो है न्यू वेज कोड। ये नया वेतन कोड है। क्या है ये नया वेतन कोड, इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे। अब तक कैसे होता था कि मानकर चलिए किसी की आय अगर 1 लाख रुपए है, जिसका उल्लेख हमने पिछले वीडियो में भी किया था, तो 1 लाख रुपए अगर उसकी टोटल उसकी मासिक आय है, या जिसको हम लोग मंथली सैलरी कहेंगे, तो उस पर बहुत सारे अलग अलग हेड्स होते थे। बेसिक हो गया, HRA हो गया, TA DA, फिर अदर अलाउंस, ऐसा सब इकट्ठा करके आपके मंथली सैलरी टेक होम होती थी। उसमें अक्सर जो बेसिक सैलरी होती थी वो बहुत कम होती थी, और जिसके ऊपर मैंडेटरी PF कंट्रीब्यूशन आपको करना ही पड़ता था। लेकिन नया वेतन आयोग ये कहता है कि आप, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपकी 1 लाख रुपये सैलरी है और आपका बेसिक आय 30,000 ही है, 25,000 ही है, और बचे फिर सारे अलाउंसेस और सब मिलकर 1 लाख रुपया हुआ है। अब उनका कहना है कि अब ये नहीं चलेगा, अब आप जितनी टेक होम सैलरी घर ले जा रहे हैं, जितना आपका C2C है, जितना आपका पैकेज है, उसका 50% कम से कम बेसिक आय होनी ही चाहिए। अब ये पूरा गणित क्या है और इससे किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस एक्सेल के ज़रिए। ये एक्सेल क्या कहती है कि 50% होना चाहिए। अभी का जो गणित था वो किस तरीके से था कि बेसिक 84,000, HRA 42,000, अदर अलाउंसेस 1 लाख, टोटल मिलाकर 2,30,000। अब अगर आपकी सैलरी 2,30,000 है, तो आपको इसका 50% किस चीज़ का, आपकी टोटल सैलरी जितनी है, अरे गलत हो गया, इसका 50% किसका, ये टोटल सैलरी आपकी जितनी है उसका, आपका बेसिक तो रहना ही रहना है, फिर जो बचेगा फिर उसमें अलग अलग अलाउंसेस आएंगे। फिर अभी बचा कितना, ये बचा, ये 2.5 लाख माइनस ये 1,15,000, फिर इसको मानकर चलते कि इसका आधा हो गया HRA और इतना ही हो गया अदर अलाउंसेस। तो अब ये तीनों को यदि हम ऐड करेंगे, बेसिक, HRA, अदर अलाउंसेस, तो बराबर इसकी एडिशन 2,30,000 रुपये आएगी। सो उनका कहना है कि आपको जो बेसिक पे है वो आपका 50% होना ही होना है, जो नया वेतन आयोग है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, देखिए पहले जब ये 84,000 आपका बेसिक आय हुआ करती थी, तो अब 84,000 का 12% देते थे, तो 84,000 का 12% होता था 10,080 रुपया, कि इतना आप PF में कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब जब आपकी बेसिक आय ये 1,15,000 हो गई है, तो अब आपको देना पड़ेगा 13,800 रुपये। मतलब जहाँ यहाँ पर आप 10,000 देते थे, अब आपको अधिक के 3,720 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि देने पड़ेंगे मतलब आपके सैलरी में से ऑटोमेटिकली डेबिट होंगे, जो मैंडेटरी PF कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ द बेसिक पे है उसमें, मतलब अधिक के आपको 3,720। तो इसलिए उनका कहना है कि इसकी वजह से न्यू वेज कोड कुड हाइक PF कंट्रीब्यूशन, PF का कंट्रीब्यूशन इससे बढ़ेगा। अब ये हो गया महीने का, तो साल का कितना, साल का ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1,20,000। वैसे हम इसका इधर भी गणित कर सकते हैं, ये 1,65 हो गया। अगर मानकर चलिए किसी का 12% होता है 2,000 रुपये, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैंने मासिक 5,000 रुपये डालना चाहिए, तो वो वॉलेंटरी PF डाल सकता है, VPF जिसको कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि 2.5 लाख तक कोई टेंशन नहीं, उसके आगे आपका कार आकर्षित होगा। ये हो जाएगा 2.5 लाख माइनस 1,20, ये 1,29, आप एडिशनल साल का डाल सकते हैं, मतलब महीने का आप 10,753 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते थे पहले, और अभी का ये गणित हो जाएगा कि अभी आपको 13,000 तो महीने के देने पड़ने ही हैं, आप एडिशनल 7,000 रुपये दे सकते हैं साल के। आप यहाँ पर पहले 1,20,000 देते थे, अब आपको 1,65 PF का कंट्रीब्यूशन ये करना ही करना है। यहाँ पर आप अधिक का इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये है आपका नया वेज कोड, कि जिसमें कहते हैं कि आपके टोटल उत्पन्न का 50% ये बेसिक पे होना ही होना है। फिर एक नई चीज़ उन्होंने बताई
कि 2.5 लाख जब आप निवेश करेंगे तो उसके ऊपर आप जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एक तख्ता आपके लिए लेकर आया है, आप जितना भी एक्स्ट्रा डालेंगे, 2.5 लाख डालेंगे तो 8.5 ओवरऑल रिटर्न फ्रॉम PF, 3 लाख डालेंगे तो आपके रिटर्न कम हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के 50,000 पर आपको उतना ही रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप 2.5 लाख साल का डाल रहे हैं, महीने का 20,000 रुपया हो जाता है वो, तो आपका लगभग 1,73,000 रुपये आपकी बेसिक महीने की बेसिक पे है, 1,73,000। हमने कैलकुलेशन किया था, याद है पिछले वीडियो में, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, फिर वो 20,000 आया, फिर वो 12% है तो 100% सैलरी कितनी होगी, तो 1,73,000 बेसिक पे। तो 1,73,000 जब हम बेसिक पे कहते हैं तो वो साल का कितना हो गया, अगर बेसिक यहाँ मैथ्स वापस करना है, 1,73,000 तो ये मल्टीप्लाइड बाय 12 साल का हो गया 20,76,000। ये बेसिक पे, उसके ऊपर आपका बाकी अलाउंसेस और बाकी सारी चीज़ें आएगी, तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट रहेगा वो 30% में चला जाएगा। सो 30% वालों के लिए इंटरेस्ट जो एडिशनल देंगे 2.5 लाख के ऊपर, उनके लिए कम है। तो जैसे जैसे ये आपकी आय बढ़े, जैसे जैसे आपका ये योगदान बढ़ेगा, अगर आप साल का 4 लाख डाल रहे हैं तो आपको ओवरऑल रिटर्न 7.5 बन रहेगा, 15 लाख डाल रहे तो ओवरऑल रिटर्न 6.29 रहेगा। तो अक्सर अभी तक ऐसा होता था कि लोग सारा का सारा पैसा PF में डाल देते, जिनके पास बहुत पैसा वो भी बहुत सारा पैसा PF में डाल देते, तो उसको कुछ कैप नहीं रहता था। अब इसकी वजह से एक रेस्ट्रिक्टेड पैसा PF में आएगा, लेकिन डेली वेज कोड जो नया आया है उससे ज़्यादा पैसा अपने आप PF में आएगा। सो सरकार को कम कम ब्याज पर ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करने को मिल सकता है, अगर ज़्यादा पैसा इसमें आता है तो। सो ये है हमारा न्यू वेज कोड जो हमने अभी देखा। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे किसी विषय के बारे में जानना होगा तो हमें ज़रूर सूचना करें। ये सारे सत्र अब तक BSAPF और SEBI लेकर आ रहा है, तो उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको आपका ईमेल एड्रेस और नाम और ईमेल एड्रेस लिखना है, क्योंकि जब आप वो लिखेंगे तो ही हम ये सारे सत्र अब तक लेकर आए थे आ पाएंगे। धन्यवाद।